नारी संघ ने परिसंवाद बैठक में सचिव प्रधान को सौंपी आवास के पात्र लाभार्थियों की सूची। आज भगरौली मुंगेशपुर व भगरौली कनपुरवा में आवास हेतु गोष्ठी और परिसंवाद बैठक का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत सभी को नए आवास हेतु निर्धारित सूचकांक के लिए सभी को सचिव श्री राकेश वर्मा जी द्वारा सभी को जागरूक किया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि आवास की पात्रता में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो निम्न: मोटर चालक, तीन चार पहिया वाहन न हो, तीन चार पहिया कृषि उपकरण न हो, 50,000 अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट न हो, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रतिमाह वेतन न हो, आयकर देने वाले परिवार न हो, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ से कम संचित भूमि हो, अथवा वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम असंचित भूमि हो। कार्यकर्ता अर्पिता द्वारा बताया गया कि नारी संघ ने अपनी बैठक के दौरान कुछ पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया, जिसमें हो सकता है कुछ अपात्रता की श्रेणी में भी आते, उनको जांच के दौरान हटा दिया जाए, किंतु जो पात्र लाभार्थी उनको आवास योजना का लाभ दिया जाए। और साथ ही सचिव द्वारा अन्य जानकारी जैसे परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया